बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल प्लेयर्स ऑफ पंजाब में खुश आमदीद। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नहीं बल्कि दो रेसिपी लेके आए हैं, जो कि आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में बना के दे सकती हैं। हम आलू के चाइनीज़ कबाब और चिकन वेजिटेबल नूडल्स की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत ही मज़े की बनती हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो आइए बिना देर किए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आलू के कबाब बनाने के लिए हमने 5 से 6 अदद आलू ले लिए हैं, जो कि दरमियाने साइज़ के हैं। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बनाने हैं तो आप सेम चीज़ें डबल कर सकते हैं। आधी प्याली हमने बंद गोभी की ले ली है, इसको हमने बारीक काट लिया है। आधी प्याली शिमला मिर्च ले ली है और इसको भी हमने बारीक काट लिया है। पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, और मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बोनलेस चिकन हमने ली है आधी प्याली। हरा प्याज ले लिया है 1 टेबल स्पून और इसको भी हमने बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम आलूओं को छील के काट के इसको उबाल लेंगे। आलूओं को उबालने के लिए हमने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। आलूओं के हम छिलके उतार लेंगे, फिर हम इनको दरमियान से कट लगा के 4 हिस्से कर लेंगे। फिर इनको उबलते हुए पानी में डाल देंगे। आलूओं को हमने उबलने के लिए रख दिया है, तो इनको ढांप के आलूओं के गलने तक उबाल लेंगे। तब तक हम अपनी अगली रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, चिकन वेजिटेबल नूडल्स। चिकन वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए हमने आधी प्याली चिकन बोनलेस ले ली है। 1 टेबल स्पून हमने हरा प्याज ले लिया है और आधी प्याली हमने शिमला मिर्च की ली है। आधी प्याली हमने बंद गोभी ले ली है, उसको बारीक काट लिया है। आधी प्याली मटर ले लिए हैं। आधी प्याली हमने गाजर की ली है और इसे भी हमने बारीक काट लिया है। नूडल्स ले लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने चिकन पाउडर ले लिया है। पिसी हुई हमने काली मिर्च ली है 1 टेबल स्पून और नमक 1 टीस्पून लिया है। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन में 1 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें मटर डाल के इनको उबाल लेंगे। जब मटर निस्फ हिस्सा गल जाएं तो हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे और इनको भी उबाल लेंगे, लेकिन हमने इनको ज़्यादा नहीं गलाना। इसको हला लेंगे। अब मटर और गाजर गल गई हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको अलग बर्तन में निकाल के अब हम अपना अगला प्रोसीजर तैयार करते हैं। एक पैन को गरम करके हम इसमें 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। फिर हम ऑयल को अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। गरम हो गया है तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। जो 1 प्याली चिकन बोनलेस हमने ले ली थी, इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। चिकन को हम गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जो कि हमने आधी प्याली लेके हमने इसको बारीक कट कर लिया था। इसको भी हम अच्छे से हला लेंगे और साथ फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च का इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसको हमने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हमने इसको हल्का फ्राई करना है। तो अब हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे, जो कि आधी प्याली हमने ले ली थी, इसको भी हमने बारीक कट कर लिया था। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें मटर और गाजर शामिल करेंगे जो कि हमने उबाल ली थी। इनको अच्छे से हला लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे जो कि पिसी हुई काली मिर्च हमने 1 टेबल स्पून ले ली थी। नमक हमने चिकन फ्राई करते हुए शामिल कर लिया था तो अब हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। हरा प्याज ले लेंगे 1 टेबल स्पून जो हमने बारीक काट लिया था। ये बहुत ही मज़े के नूडल्स बनते हैं। अगर बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो इस तरीके से नूडल्स में सब्जियां भी बच्चे शौक से खा लेते हैं। अब चिकन पाउडर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून और इसको अच्छे से हला लेंगे। एक पैन में हमने 1 गिलास पानी डाल के इसको गर्म कर लिया है तो जब पानी उबलने लगेगा तो हम इसमें नूडल्स शामिल कर देंगे। तैयार हो गए हैं तो अब हम इसको चिकन वेजिटेबल मसाले में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। अगर आप इसमें केचप ऐड करना चाहते हैं अपनी पसंद के हिसाब से तो आप कर सकते हैं। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे चिकन वेजिटेबल नूडल तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, सब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो अब हम आलूओं के कबाब को तैयार कर लेंगे। हमने एक पैन में आधी प्याली पानी डाला, पानी को थोड़ा गर्म करेंगे। फिर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे जो कि 1 टीस्पून हमने ले लिया था। जब पानी उबलने लग जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। पानी उबलने लग गया है तो अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन बोनलेस हमने ले ली थी और चिकन को गलने तक उबाल लेंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे तो चिकन का जो थोड़ा सा पानी रह गया है इसको भी हम अच्छे तरीके से खुश कर लेंगे। चिकन को अलग बर्तन में निकाल कर हम इसको चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आलूओं को उबालकर अलग बर्तन में निकाल लिया था। अब हम इसमें हरा प्याज शामिल कर देंगे, बंद गोभी शामिल कर देंगे, शिमला मिर्च, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे क्योंकि नमक हमने चिकन में भी डाल लिया था। काली मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। चिकन जो हमने उबाल के मैश कर लिया था वो डाल देंगे। हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करके हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा आलू का मिक्सचर लेके कबाब बना लेंगे। इस तरीके से हम गोल कबाब बना लेंगे। आप इसे लंबाई की शक्ल में भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं तो अब हम इनको तवे पर फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम तवे को गर्म करेंगे, फिर हम इसमें ऑयल डाल देंगे
ऑयल को अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। आप फ्राई पैन में भी कबाब फ्राई कर सकती हैं और तवे पर भी। ऑयल गरम हो गया है तो कबाब फ्राई कर लेंगे। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। सारे कबाब को गोल्डन कलर आने तक हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। आप इन्हें अंडा लगा के भी बना सकती हैं, तो जो लोग अंडा खाना पसंद नहीं करते तो वो इन्हें ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और इनको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सींक लेंगे। जब तक ये कबाब फ्राई होते हैं तब तक हम दूसरे कबाब भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको डिश आउट कर रहे हैं तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के कबाब बनके तैयार हो गए हैं। तो माशाल्लाह से हमारी दोनों रेसिपी तैयार हो गई हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये रेसिपी हमने ख़ास बच्चों की पसंद के हवाले से बनाई है क्योंकि हमारे घर के सब बच्चे स्कूल लंच में ये ज़रूर लेके जाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को बना के दें तो इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ तामन करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल प्लेट्स ऑफ पंजाब में खुश आमदीद। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए मज़ेदार करेले गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर हैं। आप भी अगर ये मज़ेदार करेले गोश्त बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमें फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि वो जहां रहें खुश आबाद शाद रहें और उनका दस्तरखान ऐसे ही खानों से और जायकों से भरा रहे। तो आइए बिना देर किए मज़ेदार करेले गोश्त बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है, एक प्याली हमने दही की ले ली है, तीन दरमियाने साइज़ के प्याज लेके हमने इसको बारीक कट कर लिया है, एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर लेना है, चार से पाँच अदद हमने सब्ज़ मिर्च ले ली हैं, चार से पाँच अदद हमने लहसुन के जवे लिए हैं और एक अदरक का टुकड़ा लिया है, आधा किलो हमने करेले ले लिए हैं, हाफ़ टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च ली है, वन टी स्पून हमने काली मिर्च पिसी हुई ले ली है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ले ली है, हाफ़ टेबल स्पून हमने नमक लिया है। नमक हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि जब हमने करेलों को छील के नमक लगाना है तो उसमें भी नमक रह जाता है, तो इसलिए हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक लेंगे। सूखा धनिया हमने वन टीस्पून ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा हमने वन टीस्पून ले लिया है और थोड़ी सी खुशबू के लिए सूखी मेथी ले ली है। तो आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन और अदरक को पीस लेंगे। हमने इनको बारीक पीसना है। लहसुन को पीस के अलग बर्तन में निकाल लेंगे। फिर एक कढ़ाही को गर्म करके हम इसमें दो ऑयल के चम्मच, सालन वाला चम्मच है, इसको दो भर के डाल देंगे।
और ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, जो कि 3 दरमियाने साइज के हमने प्याज ले लिए थे। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने लाइट ब्राउन प्याज करना है। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है तो अब हम इसमें बीफ का गोश्त शामिल कर देंगे। हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमें गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है। इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता हमने इसको भूनते रहना है। तो गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। सूरत मिर्च 1/2 टेबल स्पून ली थी, तीसरी काली मिर्च 1 टीस्पून ली थी, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून और सूखा धनिया 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून और थोड़ी सी सूखी मेथी। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छे से भूनना है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है वो साफ ना लगे और अच्छे तरीके से भून जाए। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और बहुत ही मजे की खुशबू आना शुरू हो रही है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 1 डिब्बा पानी का भर के लिया है ताकि बीफ का जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि बीफ का गोश्त टाइम लेता है गलने में। तो हम इसमें 1 पूरा डिब्बा पानी का भर के डाल रहे हैं। और हमने इसको हल्की आंच पर तब तक पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। हम इसको ढांक के पकाएंगे, तब तक हम अपने करेलों को छील के नमक लगा के तैयार कर लेते हैं। अब हम करेलों को छील लेंगे, करेलों को ज़्यादा नहीं छील लेंगे। इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का छील लेंगे, ज़्यादा इसका छिलका नहीं उतारना। इस तरह हम बाकी करेलों को भी छील लेंगे। करेलों को छील लिया है तो अब हम इसको काट लेंगे। आप चाहे तो इसी साइज में रहने दें, लेकिन हम इसको दरमियान से कट लगाएंगे। करेले क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इसमें ज़्यादा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे करेलों को काट लेंगे। हमने सारे करेलों को काट लिया है तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे भर के और इनको अच्छे तरीके से हम मसल लेंगे ताकि सारे करेलों को अच्छे तरीके से नमक लग जाए। अब हम इनको धूप में रखेंगे ताकि करेलों का जो कड़वा पानी है वो धूप में निकल जाए। धूप में रख देंगे
ताकि इनका सारा कड़वा पानी निकल जाए। पानी खुश्क होना शुरू हो रहा है। अब हम इसमें टमाटर को इस तरह दरमियान से कट लगा के हम इसको इस तरीके से रख देंगे ताकि इसके जो छिलके हैं वो आसानी के साथ उतर सके। फिर हम इसको बाद में मैश कर लेंगे। हम इसको ढाम देंगे। टमाटर नरम हो गए हैं, अब हम इनके छिलके उतार लेंगे। ये देखे कितनी आसानी से छिलके उतर रहे हैं। आप जब भी सालन पकाया करें तो इस तरीके से टमाटरों के छिलके उतार लिया करें, क्योंकि छिलके जो हैं वो सालन में अच्छे नहीं लगते। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से टमाटरों को मैश कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर और मसाला यकजान हो जाए और अच्छे से भून लेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। हमने इसको हल्की आंच पर भूनना है। तो जब तक मसाला तैयार होता है हम करेलों को पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। करेलों को हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। हमने जो नमक इनको लगाया है हमने अच्छे तरीके से इनमें से नमक को निकालना है। हमने इनको 4-5 मर्तबा धोना है। करेलों को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसमें इसको किसी कपड़े या पौने में इसको डाल के हमने इसका सारा पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया तो जो करेले हैं वो कड़वे बनेंगे। हमने इसका सारा पानी अच्छे तरीके से निचोड़ना है। हमने एक पैन को लो फ्लेम पर रखा। फिर हम इसमें करेले डाल देंगे ताकि करेलों में जो थोड़ा बहुत पानी रह गया हो वो खुश्क हो जाएगा। अगर हम करेलों का पानी अच्छे से खुश्क नहीं करेंगे तो वो कड़वे बनेंगे। हमने इनको अच्छे से निचोड़ लिया था, लेकिन इस तरीके से करेले अच्छे से खुश्क हो जाएंगे। फिर बाद में हम इसमें ऑयल शामिल करके इनको फ्राई करेंगे। पहले हम इनका अच्छे से पानी खुश्क कर लेंगे। तो करेले और गोश्त किस किस की फेवरेट सब्ज़ी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको करेले गोश्त क्या खाना कैसा लगता है। आप भी इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। इस तरीके से बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हमने सालन वाला चम्मच एक भर के डाल दिया है और इसको लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है ताकि जो करेले हैं वो जल ना जाएं। जब तक करेले फ्राई होते हैं हम मसाले को चेक कर लेंगे। जब तक करेले फ्राई हो रहे हैं हम दही डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर हम इसमें फ्राई किए हुए करेलों को शामिल करेंगे। हमें इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें जो करेले हमने फ्राई किए थे वो इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमने इसको ढांप के 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है।
बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। गोश्त और करेले का सालन हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें मिर्च शामिल करेंगे, साबुत सब्ज मिर्च। हमने इस तरीके से हमने इसको दरमियान से कट लगा के हमने इसमें डाल देनी है। इसकी इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। हमने 4 से 5 अदद सब्ज मिर्च ले ली हैं, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे कट लगा के। इसको हम अच्छे से हला लेंगे और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसको प्यारी सी डिश में डिश आउट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ और करेले का सालन तैयार हो गया है, जो बहुत ही मज़े का बना है। और आज की ये रेसिपी हमने किसी की फरमाइश पर बनाई थी। हमारे घर में ये सालन बहुत शौक से खाते हैं। आप भी ये रेसिपी बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में फिर ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। तो एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़र होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम करे और हमें हर बुरे वक़्त से बचाए, बीमारियों से, आफतों से बचाए। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर हाज़र होंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल प्लेट्स ऑफ पंजाब में खुश आमदीद। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़र हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीफ करीमी कढ़ाही, जो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप भी ये मज़ेदार कढ़ाही बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमें फॉलो करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। आपका कमेंट करना, आपका हमें लाइक करना हमारे लिए इनाम है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। के लिए हमने 1/2 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। 2 टेबलस्पून हम सिरका लेंगे। 1/2 प्याली क्रीम ले ली है। 1/2 प्याली हमने दही ले लिया है। 2 टेबलस्पून हमने मायोनीज ली है। 1 टमाटर ले लिया है दरमियाने साइज़ का। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च साबत। अदरक 2 टेबलस्पून ले लिया है। गरम मसाला 1 टीस्पून। सूखा धनिया इसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है, ये 1 टीस्पून। नमक 1 टेबलस्पून। काली मिर्च 1/2 टीस्पून और कुटी हुई सुरख मिर्च हमने 1 टेबलस्पून ली है। सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीफ के गोश्त को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हमने 1/2 प्याली जो दही लिया है वो इसमें शामिल कर देंगे। फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। फिर हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, जो कि 1/2 टीस्पून ले ली है। नमक 1 टेबलस्पून ये शामिल कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून ले लिया था ये शामिल कर देंगे। ये बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल कर देंगे।
और इसको हम अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं तो अब अगले प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कढ़ाई में इसको डाल देंगे जो कि हमने गोश्त को मैरिनेट कर लिया था, और इसमें हमने 1.5 गिलास पानी डालना है क्योंकि बीफ का जो गोश्त है वो गलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए हम इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। और इसको चूल्हे पर रख के हमने तब तक पकाना है जब तक बीफ का गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब हम इसको ढांप के पका लेंगे, चेक कर लेंगे। पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, इसको हम चम्मच से हिला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर को 2 कट लगा के हम इसमें डाल देंगे ताकि इसके जो छिलके हैं टमाटर के वो आसानी के साथ उतर सकें। और इसको ढांप के हल्की आंच पर हम टमाटरों के छिलके उतरने तक इसको पका लेंगे। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे, गोश्त का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और टमाटरों के छिलके उतार लेंगे। आप भी जब कभी इस घर में सालन बनाया करें तो टमाटरों के छिलके उतार के बनाया करें, छिलके जो हैं वो सालन में अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से छिलके आसानी से उतर जाते हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, सालन वाला चम्मच ये हम भर के डाल रहे हैं 2 अदद। और इसको अच्छे से भून लेंगे। और साथ साथ हम टमाटरों को भी मैश करते रहेंगे। सालन को हमने अच्छे से भूनना है ताकि जो ऑयल है वो कच्चा ना रहे। जब मसाला ऑयल छोड़ देगा तो फिर हम अपने बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा कि कैसी बनी। अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जो हमने 1 टेबल स्पून ले ली थी ये शामिल कर देंगे, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया जो हमने मोटा मोटा पीस लिया था ये शामिल कर देंगे, और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। आप कौन से सिटी से कौन से कंट्री से हमें देख रहे हैं और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम मज़ीद आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपी लेके आएं। जो बहन भाई हमें परदेश से देख रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर बुरे वक़्त से बचाए। मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे
ताकि जो मसाला है वो साथ ना लगे और नमक मिर्च अच्छे तरीके से भून जाए। साइडों से भी अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मसाले को अच्छे से भून के फिर हम अपने अगले प्रोसीजर की तरफ आते हैं। मसाले को अच्छे से भून लिया है तो अब हम इसमें मायोनीज शामिल करेंगे जो कि 2 टेबलस्पून हमने ले ली थी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ये बीफ क्रीमी कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है और हमारे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। कोई दावत हो, कोई मेहमान आए तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब हम इसमें क्रीम डाल लेंगे जो कि आधी प्याली हमने ले ली थी। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। हमें किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसको अच्छे से हम साफ कर लेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हम हल कर लेंगे। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम सब्ज मिर्च को दरमियान से कट लगाकर इसमें डाल देंगे। सब्ज मिर्च की बहुत मज़े की खुशबू आती है इसमें। हम सारी मिर्चों को दरमियान से कट लगा के इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल शक्ल आई है। अब हम बीफ क्रीमी कढ़ाई को डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमारी बीफ क्रीमी कढ़ाई तैयार हो गई है जो बहुत ही मज़े की बनी है। हमारे घर वाले ये कढ़ाई बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जिस वक्त आप ये रेसिपी बनाइएगा हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं और दिलों की नफ़रतों को मिटा के आगे बढ़ें। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज हम प्लेट ऑफ पंजाब में लेके आ रहे हैं बीफ मलाई कढ़ाई जो बहुत मज़े की बनती है। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो आज की हमारी रेसिपी है बीफ मलाई कढ़ाई। अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहेंगे कि शबान का महीना है, आप लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दें और अपने प्यारों के लिए वक्त ज़रूर निकाला करें, इसलिए कि उनको भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। इससे आपकी चंद घड़ियाँ ही उनकी खुशी का बायस बन सकती हैं। तो आप उनके साथ मिल बैठें, एक दूसरे के मसाइल सुने, एक दूसरे को इत्मीनान में लें, देखें आपको कितनी खुशी मिलेगी। तो आइए इस बात के साथ हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें आधा किलो गोश्त चाहिए,
एक प्याली हमने दही की ले ली है, आधी प्याली हमने मिलाई ले ली है, गार्निश के लिए हमने हरा धनिया लिया है और हमने स्लाइस में अदरक और हरी मिर्च काट ली है। मसाले के लिए हमने हरी मिर्च, लहसुन की जवे हमने 4 से 5 अदद ले लिए हैं और अदरक की टुकड़ी ले ली है बड़ी सी, तो इसको हम पीस लेंगे। मसाले के लिए हमने नमक हसबे ज़रूरत लिया है, काली मिर्च हमने 1/2 टेबल स्पून ली है और हमने आखिर में डालने के लिए सूखी मेथी ली है और सफ़ेद ज़ीरा हमने लिया है, साबुत धनिया लिया है। इन दोनों को हमने तवे पे भूनकर इसको मोटा मोटा कोट लेना है और भाप के लिए हमने एक कोयला ले लिया है। सबसे पहले हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से पीस लेना है। लहसुन अदरक को हमने पीस लिया है, इसमें हमने हरी मिर्च भी पीसी है। अब इसको हम चम्मच की मदद से ये गोश्त पर लगाएंगे। गोश्त हमने जो कि 1/2 किलो ले लिया था बीफ का, आपने इसको 1 टेबल स्पून गोश्त पे लगाना है। इसको हमने अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। गोश्त पे हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लगा दिया है, इसको अब हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। पहले हमने कढ़ाई में तेल गरम करना है, जब वो हल्का गरम हो जाए तो इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको पिछली रेसिपियों की तरह हमारी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। लहसुन अदरक हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे जो हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था, उसके ऊपर हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट लगाया था। अब इसकी हमने भुनाई करनी है। आप इसकी जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उसमें से गोश्त की जो स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। आप लहसुन अदरक के साथ भुनाई करेंगे तो बहुत मज़े की जो खुशबू आती है। इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है। आप इसे अपने घर पे बनाएं, ये बिल्कुल ही अलग है रेसिपी, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। गोश्त को हम अच्छे तरीके से भून रहे हैं, इसका पानी खुश्क हो रहा है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की, इससे कि हमने ये तकरीबन 1/2 से पीसे हुए मसाले हैं हमारे ये। इसमें हमने टमाटर शामिल नहीं करना है और ना ही प्याज शामिल करना है। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट सी है। आप ये देखें, गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। इसमें अब हम 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। इसको हमने ढककर पकाना है। हमने इतनी देर पकाना है जब तक कि हमारा ये गोश्त गल नहीं जाता। इसको अब हम चेक करेंगे। पानी हमारा खुश्क होने के करीब है, हमने मुकम्मल पानी खुश्क करना है।
इसको हम दोबारा से ढककर पकाएंगे। चेक करेंगे, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम बकाया मसाले शामिल करेंगे। हमने इसमें नमक शामिल करना है जो कि हमने ले लिया था हाफ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। और इसमें हमने मसाला जो पीस लिया था, हमने साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो हमने तवे पे पहले भून लिया था, फिर हमने उसको मोटा मोटा कूट लिया है, वो थोड़ा सा शामिल करेंगे। इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। और थोड़ी सी मेथी इसमें शामिल करेंगे। वो अच्छे तरीके से आपने भूनना है। इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। अब हमने इसमें दही शामिल करना है जो कि हमने एक प्याली ले ली थी। और मलाई को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, वो शामिल करेंगे। इसको हमने दोबारा से ढककर पकाना है जब तक ये दही और मलाई अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाते। तो इसको हमने ढककर पकाना है। चेक करेंगे, इसमें अभी मलाई और दही है और भुनने के नज़दीक भी हो रहा है। इसको हमने मज़ीद तब तक पकाना है जब तक ये मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता, फिर इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। दही इसका खुश्क होने के करीब है, अब इसकी हम भुनाई करेंगे। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी शक्ल आ रही है। ये मज़ीद हमने भुनाई करनी है जब तक कि ये ऑयल नहीं छोड़ देते। इसमें हमने इस स्टेज पे आके थोड़ा सा धनिया शामिल करना है। थोड़े से हमने जो कुटा हुआ धनिया और सफ़ेद ज़ीरा था वो शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है, अब इसकी हम गार्निश करेंगे। धनिया शामिल करेंगे हम, अदरक शामिल करेंगे और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। इसको डिश आउट कर लिया है, अब इसके ऊपर हमने थोड़ी सी मलाई शामिल करनी है। इस तरीके से साथ में हमने नींबू, हरी मिर्च और अदरक की गार्निश की है। साथ में आखिर में हमने कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल किया है। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। हमारी एक और रेसिपी तैयार हो चुकी है। यकीनन आपको ये पिछली रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी हमारी पसंद आएगी। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं तो अपने अफ्तारी में अपने घर के खानों की इसे भी जीनत बनाएं और हमें भी दुआओं में याद रखें। मैं जाते जाते एक टोटका आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इसलिए कि जाती हुई सर्दी है और बच्चों को अमूमन ठंड सी लग जाती है,
तो बच्चों की ठंड के लिए एक बिल्कुल आसान सा नुस्खा है कि बच्चों को जब भी ठंड लगे तो सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन हल्दी डालकर पकाएं। लहसुन काला हो जाए तो उतार लें, इसको छान लें, फिर बच्चे की पसलियों पर लगाएं और फिर इसको कपड़े पहना दें और पैरों के तलवे पर विक्स बाम लगाकर मोज़े पहना दें तो इंशाल्लाह ताला जिन बच्चों को ठंड लगी हुई वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका दस्तरखान इसी तरह अपनी नेमतों से भरा रखे, खुश रहें और खुश रहने की कोशिश करें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के रहें, इजाज़त दें, एक नई रेसिपी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल प्लेस ऑफ पंजाब में खुश आमदीद। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के मटर पुलाव, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपकी भूख ख़त्म नहीं होगी और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं ये और हम सबके बहुत ही फेवरेट हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप तक हर नई वीडियो पहुँच सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इज़्ज़त दी और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद की। तो वो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान ऐसे ही जायकों से और खानों से भरा रखे। तो बिना देर किए वीडियो का आगाज़ करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। इसके लिए हमने 1 किलो चावल ले लिए हैं, 1 किलो हमने मटर ले लिए हैं और इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर ले लिए हैं, 4 से 5 अदद हमने प्याज लेके हमने इनको बारीक काट लिया है और अच्छे तरीके से धो लिया है। 1 छोटी टोकरी भर के हमने धनिए की काट ली है, क्योंकि मटर दम पुलाव में हरा धनिया बहुत ही मज़े का लगता है, तो 1 छोटी टोकरी भर के आप ले लें। 15 से 16 अदद हमने सब्ज़ मिर्च लेनी है, क्योंकि मटर पुलाव में सब्ज़ मिर्च थोड़ी ज़्यादा जाती हैं, तो सब्ज़ मिर्च 15 से 16 अदद ले लें। चावलों में करारापन लाने के लिए लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 7 से 8 अदद लहसुन के जवे ले लिए हैं और 1 बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है। इमली हमने आधी प्याली ले ली है, इसको हमने भिगो के रख दिया था, इसका हमें पल्प चाहिए। हरा प्याज हमने ले लिया है गार्निश के लिए, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। गरम मसाला हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। चावलों में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है तो आप चावलों के हिसाब से नमक डालिएगा। हमने तकरीबन 5 टेबल स्पून नमक ले लिया है, आपको जितना पसंद हो आप उतना ले लें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून हमने ले ली है। सूखा धनिया हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है और 2 चिकन क्यूब ले लिए हैं। चिकन क्यूब का मटर पुलाव में बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं।
तो माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार रेसिपी मटर पुलाव तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी इस तरीके से मटर पुलाव ज़रूर बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों, जो वीडियो आपको पसंद आए उस पर कमेंट ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और तोहफा होता है, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। हमें इजाज़त दें और बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल प्लेट्स ऑफ पंजाब में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पालक के पकोड़े और मिंट सोडा। तो आज की हमारी रेसिपी रमज़ान के हवाले से है। आप भी पालक के पकोड़े और मिंट सोडा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त और हमें इतना प्यार दिया। तो जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान ऐसे ही जायकों से और खानों से भरा रखे। तो बिना देर किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। पालक के पकौड़ों के लिए हम पालक ले लेंगे, जो कि हमने गमलों में लगा रखी थी, माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। और फ्रेश पालक है, फ्रेश पालक के पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। हमें जितनी पालक चाहिए हम उतनी कैंची की मदद से इसको काट लेंगे। ताज़ा सब्ज़ी का अपना ही मज़ा होता है। पकोड़ों में खुशबू के लिए हम थोड़ी सी मेथी और हरा धनिया भी काट लेंगे। मेथी की और हरे धनिया की पकोड़ों में बहुत ही मज़े की खुशबू आती है, तो हम जितनी हमें चाहिए हम ये भी काट लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। पालक जो है वो बहुत ही फ्रेश है, इसको हमें अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ये हमारे ताज़ा गमलों की पालक है। अब हम इसका पानी निथार लेंगे। अब हम इसको काट लेंगे। अब हम पालक को बारीक बारीक काट लेंगे। पालक बहुत ही फ्रेश है और बहुत आसानी के साथ कट रही है और बहुत ही नरम है। तो दोस्तों, आपको पालक के पकोड़े खाना कैसे लगते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा, और फिर आप ज़रूर ट्राई भी करिएगा। पालक के पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। नौ से दस अदद हम सब्ज़ मिर्च ले लेंगे, क्योंकि हम इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने 9 से 10 अदद सब्ज मिर्च लेके इनको अच्छे से पीस लेना है। और एक टेबल स्पून हमने इसमें अनारदाना भी शामिल कर देना है। और अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। वन टेबल स्पून हम भर के नमक का डाल देंगे। हमने पालक,
हरा धनिया मेथी को काट लिया था, तो अब हम इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे। मिर्चें जो हमने अनारदाना और नमक के साथ पीस ली थी। अब हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। बेसन आप अपनी मर्ज़ी से जितने पकौड़े आपने निकालने हैं उस हिसाब से आप शामिल कर दें। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हम मीठा सोडा डाल देंगे। मीठे सोडे से पकौड़े जो हैं वो बहुत खस्ता बनते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सूखा धनिया डाल देंगे। 1/2 टीस्पून के लिए थोड़ी सूखी मेथी लेके इसको हम अच्छे तरीके से हाथों से मसल के ये भी हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों के लिए हमने सरसों का तेल लिया है, तो इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। अब हम सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब हम इनकी साइडें चेंज कर लेंगे। रमज़ानुल मुबारक में पकोड़े हर घर में बनते हैं और सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप ये तरीके से भी बनाइएगा, ये भी आपको बहुत पसंद आएंगे। पकोड़े फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। हम सब पकौड़ों को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। इसको डिश आउट कर लेंगे। पकौड़ों के ऊपर हम चाट मसाला डाल लेंगे। पकौड़े तैयार हैं। अब हम मिंट सोडा बनाना शुरू करते हैं। मिंट सोडा बनाने के लिए हम मिंट के पत्ते ले लेंगे। जितने हमें चाहिए हम इनको काट लेंगे। हम 2 गिलास बना रहे हैं, तो 2 गिलास के हिसाब से हम मिंट के पत्ते ले लेंगे। इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। सबसे पहले एक ग्राइंडर जग ले लेंगे। इसमें हमने मिंट के पत्ते डाल दिए जो कि हमने काट लिए थे। लेमन जूस हमने 2 टेबलस्पून ले लिया है। काला नमक हमने लेना है 1/2 टीस्पून। और चाट मसाला हमने 1 टीस्पून लेना है। हम 2 गिलास के हिसाब से बना रहे हैं, तो आप जितने गिलास बनाएं उसके हिसाब से आप डालिएगा। अब हम इसमें सोडा शामिल करेंगे। और इसको हम अब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब एक ग्लास में हम इसको शामिल कर देंगे। मिंट सोडा बहुत ही मज़े का बनता है और मैदे के लिए ये बहुत हमें सुकून देता है।
इसकी गार्निश कर लेंगे। लेमन सोडा तैयार हो गया है जो बहुत ही मज़े का लगता है और मैदे के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमारी दोनों रेसिपी तैयार हैं, पालक के पकोड़े और मिंट सोडा। रमज़ानुल मुबारक में जब हम पकोड़े और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं जिसकी वजह से मैदा हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन अगर आप साथ ये मिंट सोडा पियेंगे तो हर चीज़ बहुत आसानी से हज़म हो जाएगी और आपका मैदा आपको दुआएँ देगा, क्योंकि मिंट सोडा मैदे के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और जिन लोगों को गैस प्रॉब्लम है वो भी मिंट सोडे का इस्तेमाल करें, उनको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह हम एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसपास वालों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं, अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, एक दूसरे की मदद करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हमारा चैनल प्लेट्स ऑफ पंजाब में खुश आमदीद। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मज़ेदार किस्म की दही फुलकियों की रेसिपी, जो हम आपको फुलकियां बनाने से लेके तमाम चटनियां बनाने तक फुल रेसिपी सिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सी चटनियां जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और वीडियो को पूरा देखें और हमें फॉलो करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान ऐसे ही जायकों से और खानों से भरा रखे। तो वीडियो शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एक प्याली हमने चने की ले ली है, चनों को हमने भिगो के रख दिया था। दो अदद हमने आलू ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इनके छिलके उतार के हम आलुओं को उबाल लेंगे और एक साइड पर हम चनों को उबाल लेंगे। तो आइए पहले आलू और चनों को उबालते हैं। चनों को हम उबलने के लिए रख देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। आलुओं को हम छील लेंगे को काट लेंगे हमने इसमें नमक का चौथाई हिस्सा शामिल कर देना है। हमने आलूओं को उबलने के लिए रख दिया है, तो एक साइड पर हम आलू उबाल रहे हैं और दूसरी साइड पर हम चनों को उबाल लेंगे। जब तक आलू और चने उबल के तैयार होते हैं तब तक हम बेसन की फुलकियां तैयार करते हैं। बेसन की फुलकियां बनाने के लिए हमने एक प्याली हमने बेसन की ले ली है, 1 टेबल स्पून हमने मीठा सोडा ले लिया है, नमक हमने 1/2 टीस्पून ले लिया है और पानी हसबे ज़रूरत। तो आइए फुलकियां बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम एक प्याली बेसन की शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून हमने मीठा सोडा ले लिया है, 1/2 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से हमने व्हिप करना है। ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे।
हमने इसमें एक पूरी प्याली पानी की शामिल की है और इसको अब अच्छे तरीके से हमने हल करना है। इस तरीके की एक बोतल ले लेंगे जो कि मार्केट में आसानी मिल जाती है, इसको हम खोल लेंगे और हम इसमें जो हमने बेसन का मिक्सचर बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे। बेसन की फुलकियों का सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है तो अब हम इसको अच्छे तरीके से ऊपर से ढक्कन को बंद कर देंगे और अपना अगला प्रोसीजर तैयार करते हैं। कढ़ाई को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, फिर हम इसमें सरसों का तेल शामिल करेंगे। हम इसमें सरसों का तेल ले रहे हैं, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, फुलकियों को डालते जाएंगे। इनको अब हम निकाल लेंगे। एक बाउल में पानी लेंगे और फुलकियों को इसमें हम डाल देंगे। इनको हमने थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना है। हम इनको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लेना है। इनको हम निकाल लेंगे। हरी चटनी बनाने के लिए हम हरा धनिया ले लेंगे। हरा धनिया हम फ्रेश ले रहे हैं, इसको कैंची की मदद से हमने काट लेना है इस तरीके से। हमें जितना धनिया चाहिए हम उतना धनिया ले लेंगे। धनिया को हम अच्छे तरीके से वाश कर लेंगे। साथ में हमने तीन अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली हैं, इनको भी हम अच्छे तरीके से वाश कर लेंगे। अब हम इनको पीस लेंगे। चौथाई हिस्सा हमने नमक का ऐड कर देना है। हम इसको निकाल लेंगे। हरी चटनी हमने पीस ली है तो अब हम इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए हमने एक प्याली इमली ली है, इसको हमने भिगो के रख दिया था। इमली का हमें पल्प लेना है। एक टुकड़ा हमने गुड़ का ले लिया है, इतने साइज का हमने गुड़ ले लिया है। दो लहसुन के जवे लेके हमने इनको पीस लिया था, इनका पेस्ट बना लिया था। 1 टीस्पून हमने काला नमक ले लिया है। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला ले लिया है और 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। 1/2 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है
और 1 टेबलस्पून हमने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। तो आइए इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेके हमने इसमें 1 चम्मच ऑयल का शामिल कर देना है, 1 टेबलस्पून। इसको गरम कर लेंगे। फिर इसमें हमने लहसुन का जो पेस्ट हमने बना लिया था वो शामिल कर देंगे। सफ़ेद जीरा ये शामिल कर देंगे। इमली का जो पल्प हमने निकाल लिया था, गुठलियां हमने निकाल ली थी, इसका हमने पल्प लिया है, ये शामिल कर देंगे। गुड़ शामिल कर देंगे। काला नमक 1 टीस्पून लिया था, ये शामिल कर देंगे। चाट मसाला 1 टीस्पून, ये शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ली थी, ये शामिल कर रहे हैं। और इनको गाढ़ा होने तक हमने अच्छे से पका लेना है। इमली की चटनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। फिर हम इसमें तिल शामिल कर देंगे। अभी हमने इसको थोड़ा और गाढ़ा करना है। इमली की चटनी गाढ़ी हो गई है, अब हम इसमें तिल शामिल करेंगे। इमली की ये खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको किसी बोतल में निकाल लेंगे। इमली की चटनी ठंडी हो गई है तो अब हम इसको बोतल में निकाल लेंगे। हम इस तरह की एक बोतल ले लेंगे, इसमें हम इमली की चटनी को डाल देंगे। इस तरीके से हम सारी चटनी इसमें डाल लेंगे और ऊपर से ढक्कन को बंद कर देंगे। ये आप महीनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पापड़ी बनाने के लिए हमने 1/2 कप हमने मैदा ले लिया है, 1/2 टीस्पून हमने नमक ले लिया है और हसबे ज़रूरत पानी। अब हम इसको गूंद लेंगे। हमने 1/2 कप मैदा लिया है और 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया है। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। हमने इसको आटे की तरह गूंद लेना है। इसके लिए हमने आटा तैयार कर लिया है तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम पापड़ी को बेल लेंगे। हमने इसको बारीक बेलना है। अब हम इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसको निकाल लेंगे और इसको प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से हम सारी पापड़ी तैयार कर लेंगे। हमने सारी पापड़ी तैयार कर ली है तो अब हम अपने अगले प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। 1/2 किलो हमने दही ले लिया है, इमली की हमने चटनी ले ली है जो कि हमने बना के इसको हमने बोतल में डाल दिया था, बेसन की हमने जो फुल्कियाँ बना ली थी वो ले ली हैं, पापड़ी ले ली है, प्याज आधी प्याली, टमाटर आधी प्याली, हरी मिर्च की चटनी जो हमने बना ली थी ये ले ली है हमने 1 टेबलस्पून, आलू जो हमने उबाल लिए थे इनको हमने बारीक काट लिया है 1 प्याली हमने ये ले ली है, चने जो हमने अच्छे तरीके से उबाल लिए थे 1 प्याली हमने ये ले ली है। तो आइए दही फुल्कियाँ हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे।
कुटे हुई लाल मिर्च हम हाफ टी स्पून डाल देंगे। नमक हम इसमें हाफ टी स्पून डाल देंगे। चाट मसाला हम 1 टीस्पून डाल देंगे। इनको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। सफ़ेद चने जो हमने ले लिए हैं ये शामिल कर देंगे। आलू 1 प्याली जो हमने ले ली थी ये शामिल कर देंगे। हरी मिर्च की चटनी जो हमने ले ली थी 1 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे। प्याज, टमाटर, इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फुल्कियाँ ये शामिल कर देंगे। अब हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें पापड़ी शामिल कर देंगे। हम इसमें इमली की चटनी जो हमने बना ली थी ये शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार दही फुल्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं, जो बहुत ही मज़े की बनी हैं। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने आपको बहुत आसान तरीके से मुकम्मल रेसिपी बनानी सिखाई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखें। तो अल्लाह पाक आप सब पर अपना रहम करे, अपना करम करे और आपका दस्तरखान खानों से, जायकों से भरा रहे। तो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। प्लेट ऑफ पंजाब में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नए आने वालों को हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज की हमारी प्लेट है आलू की बिरयानी, जो बहुत ही लजीज बनती है और बहुत कम बजट में बन जाती है। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम कम बजट वाली डिशें आपके सामने लेकर आएँ, जो आप घर पर बआसानी तरीके से बना सकें। आप हमारी रेसिपी को पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इसके लिए हम शुक्रिया कहते हैं दिल की गहराइयों से। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी बात शेयर करूंगी। आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, टाइम महदूद होकर रह गया है। हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, इसकी वजह से दिल में दूरियाँ आती जा रही हैं। प्यारे हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारी राह तकते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास आकर बैठे हैं, हमसे बातें करें। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर टाइम दें, जैसे कि हमारे बचपन में वो हमें टाइम देते थे। हमारे टाइम देने से उनको खुशी मिलती है, तो प्लीज़ उनकी खुशी का ख्याल करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और कमेंट्स में भी हमें ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं।
और लाइक भी ज़रूर करें। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके कमेंट्स पढ़कर आप हमें लाइक भी करें और कमेंट्स भी हमें ज़रूर दें। हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चावल चाहिए, हमने 1 किलो चावल ले लिए हैं। और हमें आलू चाहिए, आलूओं को हमने हाफ बॉयल कर लिया था, उसके ऊपर हमने जर्दे का रंग लगा दिया है। फिर हमें चाहिए लहसुन, उसके हमने 4 से 5 जवे ले लिए हैं। अदरक हमें चाहिए, अदरक के भी हमने 4 से 5 जवे लिए हैं। टमाटर हमने 5 अदद ले लिए हैं। हरा धनिया और पुदीना हमने आधी आधी घुट्टी ले ली है। दही हमने 1 प्याली ले ली है। बिरयानी मसाला हमने ले लिया है, 2 टेबल स्पून ले लिया है। हरी मिर्च हमने 5 से 6 अदद ले ली है। जर्दे का रंग हमने थोड़ा सा ले लिया है। और सुर्ख मिर्च हमने ली है, 1/2 टेबल स्पून है ये। नमक हमने 2 टेबल स्पून लिया है। सौंफ हमने थोड़ी सी ले ली है। साबुत गरम मसाला 1 टीस्पून है। हल्दी 1/2 टीस्पून। प्याज हमने 4 से 5 अदद ले ली हैं। आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे जो कि हमने 4 से 5 अदद ले ली थी। प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है। आपने हर किस्म की बिरयानी खाई होगी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, टिक्का बिरयानी, तो आज हम आपको आलू की बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तो हम अब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया और पुदीना इसको हम पीस लेते हैं। मसालों को पीस लेंगे। उसमें हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन अदरक उसको पीस लेंगे हम अच्छी तरीके से। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है, इसको अभी हमने मज़ीद हल्का और फ्राई करना है। और फिर हमने इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेना है अलग से एक बर्तन में। हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे जो कि हमने पीस लिया था। इसमें हमने हरा धनिया और पुदीना भी शामिल करना है। इसको हमने शामिल कर लेंगे। इसमें से हमने प्याज एक थोड़ा सा निकाल दिया है जो कि हम आखिर में गार्निश करेंगे, दम में शामिल करेंगे। तो हमने अच्छी तरीके से भूनना है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे जो हमने 4 से 5 अदद काट लिए थे। इसमें से भी हमने थोड़े टमाटर रख लिए हैं जो हम आखिर में डालेंगे। टमाटर जब हमारे हल्के नरम पड़ जाएंगे तो इसमें हमने आलू शामिल कर लेने हैं। अब इसमें हम आलू को शामिल कर लेंगे। आलू हमने हाफ बॉयल कर लिए थे। इसमें आलू हम शामिल कर चुके हैं, इसको हमने हाफ बॉयल कर लिया था और इसके ऊपर हमने जर्दे का रंग लगा लिया था। जर्दे का रंग लगाने से आलू की रंगत बहुत अच्छी लगती है और बिरयानी में भी मज़ा करती है। इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे।
नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। इसमें हम सौंफ शामिल करेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे और हल्दी थोड़ी सी शामिल करेंगे और हमने कुटी हुई मिर्चें ले लेनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अब हम बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि सारा मसाला यकजान हो जाए। इस स्टेज पे आके हमने थोड़ा सा दही शामिल करना है जो कि हमने एक प्याली ले ली थी। इसको अब हमने दही के साथ भुनाई करनी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम ढककर पकाएंगे ताकि हमारे आलू जो हैं अच्छी तरीके से गल जाएं, इसलिए कि हमने इनको हाफ बॉयल किया था। इसको हम ढककर पकाएंगे। हम सालन को चेक करेंगे, अभी सालन में कसर है। जब तक कि हमारा ये सालन तैयार हो रहा है तो हम चावलों को तैयार कर लेते हैं। इसको हम दोबारा ढक देंगे। हमने चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया है, उसमें हमने थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा और हमने नमक शामिल करना है। 3 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। आप जब चावल बीच में शामिल करेंगे तब आप चावलों का नमक चेक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है चावलों का नमक चेक करने के लिए। तो अब हम चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। 1 किलो ले लिए थे, अब इसको हम वॉश करेंगे। चावल ले लिए हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है और इसको हमने भिगो के रख देना है। इसको 3-4 दफ़ा हमने धोना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरीके से साफ हो जाएं। अब हम सालन को चेक करेंगे। माशाल्लाह सालन की रंगत भी बहुत अच्छी है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। आप ये देख सकते हैं, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। आलू भी हमारे गल चुके हैं और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसकी हम भुनाई कर लेंगे। अब आंच को तेज़ कर लेना है, फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी रंगत है। चावलों का पानी हमने उबलने के लिए रख दिया है, उसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा और नमक डालकर उसको हम उबाल रहे हैं। चावल को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। सालन को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम अगला स्टेप इसका करेंगे। अब हम चावल के पानी को चेक करेंगे कि उसमें उबाल आया कि नहीं आया। चावल के पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें अब हम चावल शामिल करेंगे जो कि हमने भिगो के रख दिए थे। इसको हमने एक कनी पे उबालना है। सबसे पहले हमने एक पतीली में ऑयल लगा लेना है, उसके अंदर हमने चावल शामिल करने हैं।
इनको अच्छे तरीके से फैलाना है। फिर हमने इस पे आलूओं का सालन शामिल करना है जो कि हमने तैयार कर लिया था। हमने फिर दोबारा से चावलों की तह लगानी है, फिर हमने इसके ऊपर सालन डालना है। हमने फिर इस पे जो धनिया पुदीना है वो शामिल करेंगे, प्याज ब्राउन की भी हमने निकाली थी वो शामिल करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करेंगे और टमाटर की तह लगाएंगे। इसके ऊपर हमने फिर चावलों की तह लगानी है। फिर हमने इसके ऊपर जर्दे का रंग शामिल करना है। सालन इसके ऊपर हमने डालना है। और फिर हमने धनिया पुदीना, प्याज, टमाटर वो शामिल करेंगे, हरी मिर्ची शामिल करेंगे। यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे ये। आलू की हमने तह लगा ली है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब इसको हम ढक देंगे ताकि भाप अच्छी तरीके से हो जाए। इसको हमने अच्छी तरीके से कवर करना है। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है और बहुत लजीज बनी है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। मैं आपके साथ एक टोटका शेयर करना चाहूँगी जो मेरे बहन भाई थोड़े से हेल्थी हैं यानी कि मोटापे के शिकार हैं, तो वो 2 कप पानी लें, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक थोड़ी सी, लौंग 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी डालकर पकाएं, आखिर में लीमू शहद डालकर इसको पिएं। याद रखें ये खाना खाने से पहले पीना है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपका दस्तरखान अपनी नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।